नमस्कार विद्यार्थी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। बीए सेमेस्टर वन प्रथम गौण हिंदी पेपर 201 कहानी, उसमें मित्रों आपकी तीसरी कहानी पूर्ण हो चुकी है। उसने कहा था पुरस्कार कफन कहानी का जो मुख्य प्रश्न निकलता है जो उसको मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ। पहले पहले हमने तत्वों की चर्चा की थी, आपको याद होगा मित्रों कि कहानी के तत्व कौन से होते, उसी के आधार पर कोई भी कहानी की समीक्षा आपको आती है। तो उसमें आपको कहानी कला के तत्वों के आधार कफन कहानी की समीक्षा कीजिए ऐसा प्रश्न पूछा है, या फिर तार्किक दृष्टि से कफन एक सफल कहानी है समझाइए तो भी जवाब यही आएगा। तो मित्रों देखो कि सबसे पहले आपको सामान्य रूप से प्रस्तावना लिखनी होती है। तो प्रस्तावना में जानते हैं कि लेखक का परिचय है, प्रस्तुत कहानी हिंदी के मुद्दन्य साहित्यकार प्रेमचंद द्वारा रचित एक सफल व श्रेष्ठ कहानी। प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य में कथा सम्राट के नाम से है। उन्होंने उपन्यास कहानी नाटक सभी विधाओं पर अपने लेखने चलाए। प्रेमचंद जी ने इसी के आधार पर उन्होंने लगभग 300 जितनी कहानियां लिखी है। और खास उनकी कहानियों की विशेषता यह है मित्रों कि हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम सामान्य मानवी को उन्होंने कथा का आधार बनाया प्रेमचंद जी। और उनकी एक कहानी कफन अंतिम कहानी मानी जाती है 1936 में लिखी हुई और एक बिल्कुल यथार्थपरक कहानी है। इतना लिखे नीचे आया अपने पहला मुद्दा बताया जाता है कथा वस्तु। कथा वस्तु में आप जानते हैं कि अकेली कथा वस्तु और उद्देश्य पूछा जाए तो लंबी लिखना और कथा वस्तु तत्व में पूछी जाए तो बहुत ही संक्षिप्त। तो कफन कहानी में यीशु और माधव दोनों बाप बेटे हैं, बहुत ही आलसी और कमजोर। उनकी इस नीति के पीछे जिम्मेदारियों की यह है कि गांव में इतना श्रम करने वाले लोगों की भी स्थिति उनसे बेहतर नहीं थी। दोनों आलसी पिता पुत्र, माधव का पिछले साल ब्याह हो गया, बुधिया नाम की स्त्री उसकी पत्नी बनकर आई। घर में उसने व्यवस्था की नींव डाली और उन दोनों दुजकों का कहीं से भी सिर पर आटा ला के पेट भरती थी, कार्य करती थी। पर वही बुधिया आज प्रसव वेदना में पीड़ित है, छटपटा रहे। दोनों पिता पुत्र ने कुछ दिन से कुछ खाया नहीं है, इसके लिए दोनों पिता पुत्र कहीं से आलू उखाड़ कर खेत में सिखाए उसको भून कर खाने में लगे हैं। वहां पर दर्द से तड़पती रहती है तो वो खाकर सो जाते हैं, सुबह में देखकर ते मर जाते हैं। गांव में जमींदार दूसरे लोगों से ढूंढकर 5 रुपया इकट्ठे करते हैं, कफन लाने के लिए बाजार में चले जाते हैं और सोचते हैं कि कफन अच्छा लाने की क्या जरूरत है, वो तो शव के साथ जल ही जाएगा। और जो यीशु वाक्य बोलता है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कैसा बुरा रिवाज है, जीते जी तन रखने को कपड़ा नहीं और मरने पर नया कफन चाहिए। इस प्रकार दोनों पिता पुत्र इस देवीय प्रेरणा से मधुशाला में पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर जिंदगी भर की महिच्छा भरपेट खाने की शराब की पूरी बोतल चिकोना तली हुई मछलियां खाकर बचा हुआ किसी को देकर जिंदगी में पहली बार देने का आनंद प्राप्त करते हैं। पिता पुत्र के वार्तालाप में कहते हैं तब क्या वो बेकुट में जाएगी दादा, क्या वो जाएगी विद्या, क्या मोटे मोटे लोग जाएंगे जो दोनों आसे से लोगों को लूटते हैं फिर पाप धुलने के लिए फिर चले जाते हैं गंगा में नहाने और मंदिरों में जल चढ़ाने। और इस प्रकार से दोनों पिता पुत्र मनमस्त भाव से कहते हैं कफन तो मिल जाएगा उसको दूसरा भी, रुचकर रोते हैं बिलते हैं नाचते हैं गाते हैं और अपने मधोस्थी में वही मधुशाला में गिर जाते हैं। यानी कि इस कथा वस्तु में प्रेमचंद जी ने बहुत ही सरलता से आगे की घटना को, समाज की विषमता को, निम्न वर्ग की दयनीय स्थिति को उजागर किया है। ये आएगा दूसरा मुद्दा आएगा मित्रों पात्र व चरित्र।
प्रस्तुत कहानी का फल ही एक श्रेष्ठ कहानी है। उसमें मुख्य रूप से तीन ही पात्र हैं, दो पात्र प्रमुख रूप से आते हैं, यीशु माधव और माधव की पत्नी बुधिया। दूसरे कुछ एक पात्र है थोड़े समय के लिए आते हैं, जमींदारों का कुछ लोग, पर मुख्य तीन पात्र हैं। तीनों तीन पात्रों के चरित्र के वर्णन में लेखक ने बहुत सी सफलता दिखाई है, क्योंकि उनका वर्णन करते हुए लेखक ने लिखा यीशु उसकी उम्र 7 साल के आसपास है, बहुत ही कामचोर आलसी व्यक्ति है और इतना कामचोर कि एक दिन काम करे तो 2 दिन आराम करता है, और इसकी इस वृत्ति के कारण तो सारे गांव में प्रचलित है कि कोई उसे काम पर नहीं बुलाता। जब लगता है कि दो व्यक्तियों का काम एक से करवाना हो, एक व्यक्ति का काम दूसरे, तब उसको बुलाते थे। और ठीक वैसे ही माधव उसका बेटा, वो भी ऐसा पिता के पत्नियों पर चलने वाला सपूत पुत्र है, वो तो इससे भी आज कि वो तो आधे घंटे काम करता, 1 घंटे बैठा रहता, चिलम बैठा रहता, और अपने पिता के पद चिन्हों पर चलकर कोई भी कमी उसमें छोड़ना नहीं चाहता था। दोनों पिता पुत्र इतने आलसी और कामचोर थे कि जब किसी को लगे कि अब कोई मजदूर नहीं मिलता है कुछ भी तुम्हें काम करवाना हो, जैसे पैसे देकर काम कर नहीं करवाएंगे तो चलेगा, ऐसी हालत में वो पिता पुत्र को काम करने बुलाते थे। और बुधिया जो शादी के 1-8 साल के बाद आकर घर में व्यवस्था की नींव डालती है, कहीं से भी सिर पर आटा लाकर उन दोनों दूजकों का पेट भरती है। इन तीन ही पात्रों में, इन तीन ही पात्रों में लेखक ने पात्रों की जो चरित्र चित्रण करना सफलता दिखाई है वो वाकई में काबिल-ए-तारीफ है। और इनके चरित्रों की विशेषता में आलस्य, समाज की व्यवस्था का वर्णन और उसके भीतर इस प्रकार से समा गया है कि वो ऐसे हो गए हैं, उसमें शायद लेखक का कहना है कि उनकी नहीं हमारी सामाजिक नीति व्यवस्था की कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है। इस प्रकार से पात्र और चरित्र चित्रण में तीनों पात्रों का बहुत ही सजीवता से प्रत्यक्ष सजीव सचोट वर्णन किया है। संवाद या कथोपकथन, संवाद या कथोपकथन कहानी एक उपन्यास नाटक आदि का प्रारूप है, जिसे अंग्रेजी में डायलॉग भी कहा जाता है। हम जानते हैं कि कहानी कथा वस्तु की सफलता तम होगी पात्र होगी, पर लेखक की सफलता उसमें है कि अपनी कहानियों, अपने पात्रों के जरिए, संवाद के जरिए कथा का वर्णन करना एक सफल लेखक की सफलता है। तो प्रेमचंद जी तो वाकई है ही, उन्होंने भी 2-3 जगह तो पिता पुत्र के वार्तालाप में बताया है कि जब वो कहता है कि दोनों पिता पुत्र जब आलस में माँ मदिराय में शराब पीते, तब माधव कहता है कि क्या वह पूछेगी मुझे, फिर से बोलता है क्या पूछेगी ना, उसकी माँ में सैदुर मैंने भरा था तो मुझे ही पूछेगी, कपल क्यों नहीं मिला। यीशु कहता है जरूर मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, मुझे पता है मैंने 7 साल घास छिलकर नहीं निकाली, कौन देगा, वही लोग देंगे जिन्होंने अब की बार दिया है, हाँ अब हमारे हाथ में पैसे नहीं आएंगे पर मिलेगा जरूर। यानी कि इन छोटे से संवाद के जरिए लेखक ने उन दोनों की वृत्ति तो जरूर, पर समाज की व्यवस्था बताई है कि जो लोग वैसे पहले पैसे नहीं देते पर इतने पैसे खर्च करने के बाद भी कपल नहीं मिला तो दूसरा भी ला कर देंगे, अगर हम दोनों को खाने पीने के लिए शायद कुछ नहीं देंगे। यानी कि आलसी बुद्धि का कारण भी हमने पहले देखा कि क्यों है, इस प्रकार के रोचक सटीक कुतूहल वर्धन और अपनी कहानी को अर्थ को समझाने वाले सफल संवाद इस कहानी में प्रयुक्त हुए है। कहानी संवाद का उदाहरण भी याद रखा। चौथा मुद्दा देखो जो देशकाल वातावरण, देशकाल वातावरण कहानी उपन्यास के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि लेखक
वो किस प्रकार का होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रेमचंद जी ने जो गांव की स्थिति बताई है और उस गांव के लोगों की स्थिति और इसका जो सचोट सटीक वर्णन किया है बहुत ही, इन्होंने जो गांव में जो निम्न जाति के लोगों की स्थिति और जमींदार बनिए महाजन शौकार किस प्रकार होते इसका वर्णन हमें उनके जरिए दिया है कि हाँ जो कहते हैं ना वो संवाद मिलने को तो बहुत ही अच्छी बात है कि वह वैकुंठ जाएगी, वह नहीं जाएगी तो कौन जाएगा, तो मोटे मोटे लोग जाएंगे जो दोनों हाथों से लोगों को लूटते हैं। यानी कि गांव की सामान की व्यवस्था एक प्रकार की दुष्टवृत्ति उठ की है वो इस वाक्य में चरित्र होती है। और जो लेखक ने आगे भी कहा है कि पिता पुत्र आलसी होने का कारण यही है कि उनके रात दिन मेहनत करने वालों की भी स्थिति उनसे कुछ बेहतर नहीं थी। यानी कि इस प्रकार का वातावरण ऐसा माहौल मदिरालय में जाने के बाद लोगों की मस्ती एकदम अपनी अपनी मर्जी से जीना अपने आप में खो जाना इस प्रकार का वातावरण का निर्माण करके लेखक ने प्रस्तुत कहानी में सफल देश का वातावरण चित्रित और निर्मित किया है। अब पांचवा मुद्दा जो आएगा मित्रों कौन सा आएगा, भाषा शैली। तो कहा जाता है स्टाइल इज द मेन लिमिट, हिंदी साहित्य में प्रेमचंद जी चलती मुहावरेदार शैली के लिए प्रचलित थे। उनका मानना था कि पात्र अपनी भाषा बोले तो ही कथा में एक प्रकार की सरचता आती है। तो उसी प्रति उन्होंने माधव विष्णु जमीदार सभी की अपनी अपनी भाषा शैली का प्रयोग किया है और जो सूक्ति रूप वाक्यों का भी प्रयोग किया है। मिलेगा कपन वही लोग देंगे जिसने अपनी बात दिया है, यानी कि विश्वास पातक वाक्य के द्वारा व्यक्त किया। फिर वैसे ही जो कहते हैं कि ठगिनी नैना ठगिनी नैना नाचोगी ठगिनी नैना, ये कबीरदास की प्रकृति का प्रयोग उन्होंने मधुमस्ती में नाचने वाले के लिए भाषा शैली में किया है। कहीं कहीं मुहावरों का प्रयोग प्रेमचंद जी ने किया है और कहीं ना कहीं जो माधव और उसके जरिए यीशु के जरिए दार्शनिक वार्तालाप में प्रेमचंद की उत्कृष्ट भाषा शैली के उदाहरण में दिखाई देते हैं कि मैंने यहाँ पर घास 60 साल तक घास नहीं छीला है, घास छीना मुहावरे का प्रयोग है, सुक्ति का प्रयोग भी किया है। फिर वो कबीरदास की पंक्ति का भी प्रयोग किया है, यानी कि भाषा शैली में प्रस्तुत कहानी की भाषा शैली बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम प्रकार की। छठा और अंतिम मुद्दा देखिए, ये मुद्दा मित्र आपको दोनों में काम आया। अगर ऐसा पूछा जाए कि कपन कहानी की कथा वस्तु लेकर उद्देश्य को प्रकाश डाले तो भी, या फिर उसमें छठा मुद्दा भी आता ही है तत्व में उद्देश्य, तो कोई भी रचना निरुद्देश्य नहीं होती। तो प्रेमचंद जैसे साहित्यकार तो ऐसे कैसे रचना करेंगे। तो प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य लेखक का होता है, एक तो हम जानते हैं कि सामान्य रूप से पहली नजर में हमें बरबस ही उन दोनों पिता पुत्र के प्रति दुआ, पर लेखक ने उनके प्रति दुणा हुए नहीं बताया, साथ में कुछ एक ऐसा वातावरण निर्मित किया है कि जिससे हमें पिता पुत्र के साथ साथ इस सामाजिक हीन व्यवस्था प्रति भी घृणा उत्पन्न होती है। क्योंकि जो जानते हैं कि लिखा है कि बहुत काम करने वालों को भी ठीक से खाना नहीं मिलता, इसके लिए जानते हैं कि उनकी जमींदारों की शोषण वृत्ति होती है कि कितना काम करते तो भी भूखे रहते हैं, इसलिए दोनों पिता पुत्र आलसी होते हैं। और दूसरी बात जो कहता है कि कैसा बुरा रिवाज है जीते जी तन रखने को कपड़ा ना मिले मरने पर नया कफन चाहिए, यानी कि समाज की खोखली मान्यता है कि चलो पैसे हो या ना हो घर में दवाई नहीं ना हो तो चलेगा, पर मरने पर सब विधि कारज क्रिया करनी ही पड़ेगी, नहीं करेंगे तो समाज बाहर रखेगा तुम्हें तुच्छ गिनेगा। यानी कि इन खोखली मान्यताओं को दूर कराने का समाज के उच्च वर्ग के लोगों के भीतर पैसे देते तो हो और पहले देकर उनको जीवन जीने में मदद करो, खोखली मान्यता को निभाने में नहीं। और इस मान्यता निभाने के लिए तो विश्व की दृढ़ मानसिकता है कि देंगे अब की बार भी वही देंगे, सिर्फ हम लाएंगे नहीं कफन। यानी कि ये खोखली मान्यता और लोगों की विचार लोगों की सोच और उन दोनों पर भी थोड़ी हमें तरस लाते हुए लेखक का उद्देश्य कि सब बातों को दूर करके
गांव के जमींदारों को, छोटे लोगों को ऐसे गरीब पात्रों के प्रति शोषण की वृत्ति न रखने के बजाय उन्हें उनके श्रम के मुताबिक वेतन देना चाहिए और समाज में ऐसे झूठी मान्यता का खंडन करना चाहिए। ये उद्देश्य और मुद्दा नहीं है, साथ में आएगा कोई भी प्रश्न आता है, कोई भी प्रश्न आता है कि उपसान लेकिन उपर्युक्त विवेचन के पश्चात में जाना कि कफल कफन कहानी कहानी कला के तत्वों के आधार पर सफल श्रेष्ठ कहानी है और साथ में कफना कहानी की कथा वस्तु यथार्थवादी पात्र में जीशु माधव बुधिया बहुत ही वास्तविक और परोक्ष सॉरी प्रत्यक्ष पात्र है, संवाद भी सटीक रोचक है, देश का वातावरण का भी यथा चित्र है, भाषा शैली भी प्रेमचंद ने चार चांद लगा दिए हैं और उसका उद्देश्य समाज की मान्यताओं को दूर करने का है, यानी कि अतः कफन कहानी तत्वों के आधार पर एक सफल कहानी है। तो मित्रों अब आगे के वीडियो में अब नई कहानी की चर्चा करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।